गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन ये फिर से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक लेक्चर नंबर 7 आई थिंक ये हमारा है, जो थोड़ा ब्लर हो गया था और काफी स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे कि सर ये दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करिए। तो ओके, नो इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, समय बचाने के लिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिख दिए बेटा, ताकि हमारा समय बचे और हम ज्यादा टाइम कम कॉन्सेप्ट में ज्यादा यूटिलाइज करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, एक गैस एमिट्स अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 460, 828 एंड 1035। मतलब कोई गैस है, तीन वेवलेंथ एमिट कर रहा है, मतलब वो तीन फोटोन एमिट कर रहा है। बात समझना ध्यान से, तीन फोटोन के वेवलेंथ है, 460 आर्मस्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट 828 आर्मस्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट आपका है 1035 आर्मस्ट्रॉन्ग। 460 आर्मस्ट्रॉन्ग, 828 एंड 1035 है, ठीक है। नाउ एज्यूम दैट एटम हैव ओनली टू एक्साइटेड स्टेट। एटम के पास आपको मतलब कहानी कुछ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये दो एक्साइटेड स्टेट है, उसने दो एक्साइटेड स्टेट बोला, ग्राउंड स्टेट प्लस टू एक्साइटेड, मतलब उस टोटल एटम के पास तीन ही शेल है, तीन ही बेटा, ठीक है। तो ये मान लो E1 हो गया, ये E2 हो गया और ये E3 हो गया। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगे बेटा। नाउ अब कितने फोटोन एमिट हो रहे, तीन फोटोन, तभी तो तीन वेवलेंथ उसने दी है। तो पहला फोटोन मान लो ऐसे गया होगा, दूसरा फोटोन ऐसे गया होगा, तीसरा फोटोन ऐसे गया होगा। आई बात समझ में। अब आपको यही एनर्जाइज करना है, यही समझना है कि कौन सा फोटोन का वेवलेंथ कौन सा होगा। अब एक बात बताओ मुझे, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कौन सा है। वेरी गुड, ये वाला सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है। तो जब सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो सबसे कम वेवलेंथ का होगा ये वाला, तो ये होगा 460 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं उसके नेक्स्ट पॉइंट्स की, तो समझिए बात को, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें ऑलरेडी बोला है कि एंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल डिक्रीजेस, मतलब ये है E2 माइनस E1 should be less than किससे, E3 minus E2 से। और ये ऑलरेडी हम जानते भी हैं कि जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, एनर्जी गैप भी क्या होते जाता है, घटते जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बोर ऑर्बिट के फर्स्ट क्लास में या सेकंड लेक्चर में शायद, जहां था मुझे याद है कि E2 minus E1 should be less than, मतलब E2 minus E1 सबसे बड़ा होगा, फिर E3 minus E2 से छोटा होगा, फिर E4 minus E3 छोटा होगा, ऐसा सो ऑन क्या होता जाता है, घटते जाता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। Now, अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे सपोज करो, और उसने क्या बोला है, टेकिंग द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट लेवल टू बी जीरो। हाईएस्ट लेवल कौन सा है ये, तो इसका एनर्जी हम क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। तो सब समझो बात को, अगर मैं E3 माइनस E1 की बात करूं, तो E3 माइनस E1 मेरा कितना हो जाएगा, 13.6 Z² 1/N² - 1/N² ये भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये करने की जरूरत नहीं है तो आप इसको एक काम करो, ये एक्चुअली एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये बेटा, ये जो यहां से जब यहां आया होगा फोटोन, तो इतना एनर्जी गैप लेकर आया होगा, मतलब इतनी एनर्जी उसने एमिट करी होगी, और नो डाउट हर फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, hc/λ की। तो शॉर्ट एंड शॉर्ट, क्योंकि जब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया होगा तो आप क्या फॉर्मुला यूज करोगे, 1240 by wavelength in armstrong या 1240 wavelength in nanometer। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, 1240 by λ nanometer में हम यूज कर सकते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी होंगी बेटा, E3 की एनर्जी मेरी क्या है, जीरो है, तो माइनस ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1240 अपॉन वेवलेंथ कितना हो चुका है बेटा, वेवलेंथ हमारा हो चुका है 460, क्योंकि यही गैप के मुझे 460 दिया हुआ है। तो अब ये एक्चुअली ये जो वैल्यू आती है, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है आपकी, E1 जो आपका आएगा -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ रहा है आपका, -27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास दो है, दो एनर्जी के बचाव और दो आपके पास वेवलेंथ बचा, तो आपको एनर्जी असाइन करना है। तो आपको मुझे पता है ये एनर्जी गैप इस एनर्जी गैप से ज्यादा होगा, तो अगर इसका एनर्जी गैप इसका ज्यादा है, मतलब ये एनर्जी ज्यादा है, मतलब यहां से यहां की एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका वेवलेंथ कम होगा। तो इसमें कम वेवलेंथ वाला कौन सा, वेरी गुड, 828 ये वाला होगा, ये 1035 वाला होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, मुझे किसका निकालना है, E3 मुझे पता है, E1 आ चुका है, मुझे क्या निकालना हो, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट मैं निकाल चुका हूं। अब मुझे क्या निकालना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालना है, क्या निकालना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो आई होप से यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी होंगी। अब समझिए बात को, लेट्स से अगर मैंने E3
माइनस ई टू डिवाइडेड बाय ई टू माइनस, या रिवर्स करते चलो एक बार इसको, इसको मैंने क्या किया रिवर्स किया, ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाय ई थ्री माइनस ई टू माइनस ई वन एंड ई थ्री माइनस ई वन। मैं सपोज करो ऐसे भी लिया हूं तो E2 माइनस E1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलिए बोलिए E2 माइनस E1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12400 डिवाइडेड बाय 828, ठीक है E2 माइनस E1। ऊपर क्या चला जाएगा, ये फिर डिवाइड करूंगा 12400, अगेन मेरा क्या हो जाएगा 10 E3 माइनस E2, सॉरी दिस इज E3 माइनस E2, नॉट क्योंकि E1 से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने ये दो गैप लिया, एक E2 माइनस E1 लिया और E3 माइनस E2 का रेशियो लिया है, और ये हो जाएगा 1035। तो मैं लिख सकता हूँ 1025 कैंसिल, तो 103, तो ये कितना आएगा 1035 बाय 828, ठीक है। अब E3 तो जीरो है, E1 आपको पता है, तो E2 नहीं आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, तो यहाँ पे आपको बस सोचना था, और ये चीज अगर नहीं भी दी होती ना बेटा, अगर ये लाइन उसे नहीं भी दे तो भी आपको ये समझना था कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी गैप का जो होता है डिफरेंस वो घटते जाता है, इसलिए E2 माइनस E1 सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद होता है E3 माइनस E2, उससे कम क्या होता है, उसके बाद क्या आएगा जल्दी बोलिए E4 माइनस E3, तो सो ऑन कैसा होता है एनर्जी लेवल घटते जाता है, ठीक है। यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, एक डेफिनेशन इन ए हाइड्रोजन और एच लाइक एटम, इन ए हाइड्रोजन और एच लाइक एटम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, कंप्लीटली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट विदाउट काइनेटिक एनर्जी, विदाउट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, विदाउट हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट में पूछे जा चुके हैं, इसका मतलब क्या समझिए, जैसे सपोज करिए n इक्वल टू वन है, ठीक है, और n इक्वल टू इनफाइनाइट, आपको मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से कंप्लीटली एटम के बाहर निकालना, लेकिन आपको उतनी ही एनर्जी देनी है ताकि यहाँ पे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए जीरो, जब इनफाइनाइट पे आ चुका हूं तो ऑलरेडी एटम से क्या हो चुका हूं बाहर हो चुका है, लेकिन उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो दैट इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम द एटम टू फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू विदाउट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी, दैट्स नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्या, जैसे सपोज करो कितनी एनर्जी होती है, तो सपोज करो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूं मैं, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम लाइक के लिए बात करूं, उनके जैसे के लिए, तो ये क्या होगा, अगर E इनफाइनाइट माइनस E1 की बात करूं तो ये क्या होगा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, और 1 बाय इनफिनिटी क्या होता है मेरा जीरो होता है नाउ, और n1 मेरा क्या हो चुका है 1 हो चुका है 1 बाय 1 स्क्वायर 1, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट हम जा रहे हैं, तो ठीक है, तो दैट्स नथिंग बट E1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, E1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस 13.6 Z स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, बट एक्चुअली ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई आपकी,
आयनाइजेशन एनर्जी हो गया 13.6 Z2। ये मेरा आयनाइजेशन एनर्जी होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, इवन मेरा इतना आया। अब समझो, वन इनफाइनाइट से वन जाने के लिए जब आपको -13.6 चाहिए, तो अब इसका रिवर्स कर दो। इसका रिवर्स कर दो मतलब वन से इंफिनिटी जाने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी। ये रिवर्स आए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब यहां से यहां एनर्जी जाने के लिए आपको 13.6 Z2 चाहिए, तो वहां से वहां जाने के लिए भी आपको 13.6 Z2 की एनर्जी चाहिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो आई होप सो प्यारे बच्चों आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नाउ आवर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आयनाइजेशन एनर्जी आपको समझ में आई कि भैया आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एटम के बाहर निकालना है, लेकिन विदाउट काइनेटिक एनर्जी। मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाती है। तो आपको यहां तक चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो पहला मैं कर दे रहा हूं, सेकंड आप कर दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होगी, इवन मेरी जल्दी बोलिए, हाँ कितनी होगी, -13.6 Z2 / n2। तो z भी वन है मेरा और n भी वन है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग माइनस साइन। इसलिए क्योंकि ये मैंने डेरिवेशन आपको उस समय भी बताया बोर्ड में, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मोड ऑफ मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -2 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स नथिंग बट 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्यारे बच्चों आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ अगर मैं वही सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, सेकंड ऑर्बिट के लिए अगेन हम लोग निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए E2 कितना हो जाता है, मतलब -13.6 z मतलब 1 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर मतलब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो अगेन इट विल बी मॉड ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स नथिंग बट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ 3.4, तो दैट्स नथिंग बट 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज योर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहां तक प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिवीजन तौर पे क्वेश्चन करवाया था मैंने। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी सॉल्यूशन 3, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एच एटम गेन्स 1.5 द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ एटम। ठीक है, विल बी द, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन कमिंग आउट ऑफ द एटम। देखो समझो, आप ये न्यूक्लियस है, ये n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू इनफाइनाइट है। देखो क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमूवल फ्रॉम एटम, तो इसी को तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब बेसिकली किसने डेफिनेशन दिया, आयनाइजेशन एनर्जी दिया। मतलब यहां n इक्वल टू 1 पे उसके पास कितना एनर्जी है, 1.5 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। कितना है, 1.5 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से यहां जाने के लिए वो आयनाइजेशन एनर्जी खर्च कर दिया, कितनी एनर्जी खर्च कर दिया, 1 आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पे क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, सोचिए आप कैसा हो सकता पॉसिबल। ठीक है, नहीं अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो लेट समझो, यहां से यहां जाने के लिए उसकी एनर्जी कितनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे यहां जाते काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का डेढ़ गुना उसने ऑब्जर्व किया। कितना ऑब्जर्व किया, डेढ़ गुना। तो वन प्लस 0.5 आयनाइजेशन एनर्जी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो वन आयनाइजेशन एनर्जी यहां खर्च हो गई और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कितना बचेगा, 0.5 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो समझो बात को बेटा, कि मान लो वन से लेकर इनफाइनाइट जाने तक के लिए एनर्जी जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सपोज करें 10 जूल है। कितनी है, 10 जूल। अगर सिर्फ आपके पास 10 जूल होगा तो यहां से आप यहां जाओगे
तो आप एटम के बाहर तो निकल जाओगे बट यू विल नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी। यही तो आइनेशन एनर्जी कहता है कि भैया वन से लेकर इनफाइनाइट तो चले जाओ लेकिन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, और उस एनर्जी को हम आइनेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन उसने 15 जूल एब्जॉर्ब किया, कितना जूल एब्जॉर्ब किया, 15 जूल एब्जॉर्ब। नाउ यहां से यहां जाने के लिए उसके पास कितनी एनर्जी खर्च हुई, 10 जूल, लेकिन अभी भी तो उसके पास 5 जूल बचा है, तो वही 5 जूल किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 0.5 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं, अब उसने किसका बोला है, हाइड्रोजन एटम का बोला होगा शायद, है ना, हाँ हाइड्रोजन एटम का बोला। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/2.5 को 1/2, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन आपको इसको 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में, और हाफ एम वी स्क्वायर 1/2, मतलब एम मेरा नीचे चला जाएगा और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन होगा, एम वी स्क्वायर मतलब 9.1 × 10⁻³¹ इंटू वी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/2 13.6 1.6 × 10⁻¹⁹, 1/2 कैंसिल, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13.6 1.6 × 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻³¹। अब देखो अभी आप जैसे मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप घर पे कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो, सी इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो इन एट होम यू कैन यूज कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, मास किसका लोगे, इलेक्ट्रॉन का लोगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो ठीक है, हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब हमारे जो 3-4 क्वेश्चन और बचे उनको भी हम कवर कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको और अच्छा मजा आए पढ़ने में। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी बेटा, if H2 is exposed to radiation of lambda is equal to 253.7 nanometer, what will be काइनेटिक एनर्जी ऑफ एच एटम, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑब्टेंड इन हीलियम प्लस लाइमन सीरीज, हीलियम प्लस लाइमन सीरीज। Question number 6.
6, consider a hypothetical A H like atom the wavelength in Armstrong for a spectral line from n equal to p to n equal to 1 are given by lambda is equal to 1500 p square by p square minus 1, where p is equal to 2, 3, 4 dot 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 infinite. ठीक है, first question, find lambda of minimum and maximum energy in series second line. What is potential energy of element? Okay, now first question अब देखते हैं हम, चलो ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा हमारा, देखो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इतना दिया हुआ, मतलब दो हाइड्रोजन एटम के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है. इफ H2X exposed to a radiation of this, what will be the kinetic energy of this? तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो. सपोज करो ये हाइड्रोजन है और एक फोटोन इससे जाके टकराता है, तो एक फोटोन जब इससे जाके टकराएगा तब जाके ये ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा. अब इसका मीनिंग समझो. सपोज करो ये मेरे पास कांच का ग्लास है और मैंने इतनी ही सफिशिएंट से मारा ताकि ये ब्रेक हो गया, बट कांच के टुकड़े फैले नहीं. बात इमेजिन करना, ये कांच का ग्लास है ठीक है, और इसको मैंने इतना ही कस के मारा ताकि मेरा ये ब्रेक हुआ, बट ये टुकड़े फैले नहीं है. लेकिन अगर मैंने इसको बहुत कस के मारा, मान लो अगर मैंने बहुत कस के मारा तो क्या होगा, ये ब्रेक भी होगा और कांच के टुकड़े गिर भी जाएंगे. उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे ये समझना है, पहले तो आपको इस फोटोन की एनर्जी चेक करनी पड़ेगी कि ये फोटोन की एनर्जी इसकी बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है क्या. अगर मान लो ये एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ब्रेक तो होगा लेकिन इस हाइड्रोजन एटम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. लेकिन अगर मान लो इससे ज्यादा है तो ब्रेक भी होगा और इसके पास हाइड्रोजन एटम के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी. सपोज करो दो गाड़ी है मेरे पास, ठीक है. सपोज करो मेरे पास क्या है, दो गाड़ी है. सपोज करो एक मान लो एल्टो, दूसरी भी एल्टो. एक एल्टो रुकी हुई है, एक मान लो एक एल्टो आ रही है तो इसको टकराई, ये एल्टो खड़ी थी तो मान लो इसके पास इतनी ही एनर्जी है जितने इसको टक्कर मार सके. तो मतलब जब इससे टक्कर मारा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एल्टो का पीछे का पार्ट खराब हो जाएगा, टूट जाएगा ठीक है. लेकिन मान लो अगर बहुत स्पीड से आ रहा होगा तो क्या होगा, टक्कर भी मारेगा और आगे गाड़ी आगे भी बढ़ेगी. तो उसी तरीके से होगी यहाँ पे भी कि एनर्जी अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड एनर्जी को भी तोड़ेगा, साथ ही साथ बचा कुछ एनर्जी किस फॉर्म में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा. तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि बॉन्ड एनर्जी कितनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो पर मोल में दिया हुआ है. किस मोल में दिया हुआ, पर मोल. तो आपको बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एच हाइड्रोजन एटम, एक का कितना होगा अप्रोक्सीमेटली वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 430 by 6.023 × 10³ किलोजूल, तो इसको 10³ कर दो तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 × 10⁻¹⁹ आता है, -19, 7 × 10⁻¹⁹ जूल आता है. दिस इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. और अगर मैं वही एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करूं जो इसको ब्रेक करेगा, तो इसको मैं क्या कर सकता है, SC/λ नैनोमीटर में, इससे अच्छा 1240 से कवर करो अपॉन 253.7, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आएगा 7.83
7.83 ओके नैनोमीटर है, नहीं 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 और ये क्योंकि जूल में है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करो तो ये अप्रोक्सीमेटली आता 7.83 × 10⁻¹⁹ जूल। अब देखो चाहिए कितना तोड़ने के लिए 7 और आ कितना रहा 7.83, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0.83 × 10⁻¹⁹ जूल। बट ये दो हाइड्रोजन एटम का है तो काइनेटिक, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम मिले ना बेटा तो आपको उसे एक एटम को पूछा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.83/10⁻¹⁹ जूल। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ क्या बोला है, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन ऑब्टेन इन हीलियम एंड लाइमन सीरीज। ये आसान क्वेश्चन है भैया, ये सब कोई कर सकता, मिनिमम और मैक्सिमम। देखो मिनिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी थी मेरी, याद करिए, लाइमन कहां पे होता है, n इक्वल टू 1 पे होता है, जब 2 से 1 जाएगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, 2 से 1 होना चाहिए, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, इनफाइनाइट से 1 होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो 1/λ मिनिमम कितना हो जाएगा मेरा, RH into Z मतलब 1 square into 1 by 1 square 1 by infinity square, और 1/λ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, RH into 1 square 1 by 1 square minus 1 by 2 square, ठीक है। तो इस तरीके से वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम आ गया मेरा इस तरीके से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अच्छा तो ये दो क्वेश्चन मैं रख कर देता हूं जो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल एच लाइक एटम ऑफ वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रांग फॉर अ स्पेक्ट्रल लाइन n इक्वल टू p से n इक्वल टू 1 जा रहा है, ठीक है। r गिवन, देखो कोई है मतलब कुछ इमेजिन करो, n इक्वल टू 1 है और लास्ट उसने दिया n इक्वल टू p, ये यहां से यहां गया तो वेवलेंथ उसने इस तरीके से ऑब्जर्व किया, जो p मेरा कुछ भी हो सकता है, उसने p एक जनरल फॉर्मेट में दिया, तो p जब जनरल फॉर्मेट में दिया तो वेवलेंथ भी आपको जनरलाइज इक्वेशन के फॉर्म में दिया, ठीक है। दिस एंड दिस, तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी एंड व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सपोज करो n इक्वल टू 1 का e1 एनर्जी और n इक्वल टू p का ep एनर्जी, जब यहां से यहां जाएगा तो इसका इतना एनर्जी गैप होना चाहिए, तो कहने का मतलब है ep माइनस e1 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा 13.6 कर दें, चलो यही, जब फोटोन यहां से यहां आएगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूं 1,2,4,0,0 / λ, यही तो होगा फोटोन का डिफरेंस, मतलब ये एनर्जी होनी चाहिए इसके पास, और यही एनर्जी को मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 1,2,4,0,0 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 1,2,4,0,0 / λ, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा इस तरीके से 1,2,4,0,0 / λ मेरा कितना दिया हुआ 1,500 p² / 1 - p² तो मैं लिख सकता हूं 1,2,4,0,0 / 1,500 इसको मैं लिख सकता हूं 1 by p square minus 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - 1 / p². तो ये एक एनर्जी, क्योंकि देखो ये जो फॉर्म है ना बेटा ये जनरलाइज एनर्जी फॉर्म है, क्या जनरलाइज, आप p 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो p टेंड्स टू इंफिनिटी है, p tends to infinity पे ep तो क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाता है, क्योंकि 13.6 z² / n² तो n मेरा infinity हो तो e तो 0 हो गया था, ये तो 0 हो जाएगा इस केस में, ep minus e1 के केस में ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये 8.27 approximately आता है, और p क्या हो जाएगा 1 - 1 / infinity² तो this और this cancel। नाउ E1 बराबर कितना हो जाएगा -8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही बात है, जब यहां से यहां जाने के लिए इतना एनर्जी लग रहा है, तो व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी E0 - दिस माइनस दिस, तो
इसका कितना हो जाएगा, इवन माइनस इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी माइनस दिस हो जाएगा, तो दैट्स नथिंग बट 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहां से यहां आने जाने के लिए माइनस 8.27 लग रही है, मतलब इसकी एनर्जी कितनी आई, माइनस 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया मेरे पास, मुझे इसकी एनर्जी मिली 8.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट की। तो जब यहां से यहां जाऊंगा मैं तो मुझे कितनी होगी ईपी माइनस, मतलब आइलेसन एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनफिनिटी माइनस ईवन लिख सकता हूँ मैं, तो ये जीरो हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 8.27 लिख सकता हूँ मैं। आई होप से यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा सही है। अब क्या बोला, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एनर्जी। देखो सिंपल सा फंडा है, मिनिमम एनर्जी कब, मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, जब p इक्वल टू 2 होगा, और मिनिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट होगा। तो पुट कर लीजिए, आपको आ जाएगा वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेवलेंथ को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा मैक्सिमम आपको मिलेगा और लैम्डा मिनिमम आपको मिलेगा। p की वैल्यू पुट कर दीजिए, p की वैल्यू जब पुट करिएगा तो 1500 है ना, सॉरी 15 इक्वेशन क्या है, 1500 पी स्क्वायर ना, तो 4 पी स्क्वायर, मतलब पी मैंने क्या लिया 2 लिया, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम इसी केस में आएगा, और 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3, तो दिस इज नथिंग बट 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग। और मिनिमम कब होगा, 1500, ठीक है, पी स्क्वायर मैंने नीचे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, तो p मेरा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये मेरा लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, ये लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि ये वैल्यू देखो 2 से इन्फिनिट है ना, तो फर्स्ट वैल्यू पे मेरा लैम्डा क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी का लाइन होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो यहां से भी आप वैल्यू पुट करके भी आप चेक कर सकते हो इन चीजों को। नाउ यहां तक चीजें हम क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसी फॉर्मेट में E2 माइनस E3 भी निकाल सकते हो, E4 E2 माइनस E3 कैसे निकालोगे, E2 माइनस E1 सॉरी E3 E2 आप किसी की बेलेज निकाल सकते हो, E2 माइनस E1 को क्या लिख सकता हूं मैं, अगेन 8.27 इनटू पी स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय पी स्क्वायर, तो 8, अब पी मेरा क्या हो गया 2, तो 2 पुट करूंगा मैं यहां पे 1200 by 1500 मेरा 8.27, E1 की वैल्यू मेरा 8.27 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं E2 का भी आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी का भी आंसर, बस ये जनरलाइज फॉर्म का क्वेश्चन था, तो मेडिकल वाले ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, इससे पहले तक आप क्वेश्चन करिए, बट आगे जो दो क्वेश्चन है 6 और 7 नंबर आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए, आपको मेडिकल वालों की इतनी हाई लेवल की जरूरत नहीं है। बाकी जो जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रही है उनके लिए भी नहीं है, लेकिन जो जेई एडवांस का कर रहे हैं, जो वाकई में आईआईटी जाना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। नीट वालों के लिए कृपया सजेशन यही रहेगा, ये क्वेश्चन छोड़ दे, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन between electron and proton at a separation of r is given by u equal to minus k log r, u is equal to minus k log r, ये potential energy का form दिया है, where k is a constant for such hypothetical atom, calculate the radius of nth Bohr orbit, मैं बार बार बोल रहा हूँ Bohr orbit का, देखो मैं थोड़ा दे रहा हूँ Bohr's orbit and its total energy, इसको शॉर्ट फॉर्म में TE लिख दिया मैं, ठीक है।
अब जैसे आपको पता होगा बेटा फोर्स को हम क्या लिखते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अगर मैं मान लो इसी चीज को, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मेरा, वेरी गुड, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी को म्यू से फॉर्मेट में भी लिखते हैं, तो डी यू बाई डी आर आपको क्या देगा, वन बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय आर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाय आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट्स नथिंग बट फोर्स। तो याद रखना डी यू बाय डी आर इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ। मैंने माइनस क्यों लगाया, सपोज करो अगर ये प्लस माइनस होता था तो माइनस माइनस हो जाता था अगेन, तो फिर ये क्या हो जाता था, ये पॉजिटिव हो जाता था। सपोज करो कहने का मतलब है प्लस माइनस 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 प्लस, और अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते तो माइनस ऑफ क्यू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने जनरेट किया माइनस ऑफ एफ लगा के चल गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया, यू बराबर माइनस के लॉग आर, तो डी यू बाय डी आर आपको क्या देगा, माइनस के बाय आर, और यही बराबर कितने का होता, माइनस एफ के बराबर होता, तो दिस और दिस कैंसिल, तो फोर्स बराबर इतना हो गया। और मुझे पता है क्योंकि हम बोर ऑर्बिट लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर कितना होता है, अब यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा के बाय आर आया, जो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, अब आर आर मेरा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो दोनों तरफ एम मल्टीप्लाई किया, तो के एम बराबर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एम वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एम। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि हम बोर ऑर्बिट का बोर ऑर्बिट यूज कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एम वी के वैल्यू पुट कर दो, तो आर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई, एम वी के वैल्यू नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के एम, तो दिस इज योर व्हाट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। नाउ अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी मेरे लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मेरे लिए क्या हो जाएगा, देखो mv स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k बाय 2। काइनेटिक एनर्जी मेरे क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये 1 बाय 2 k, k बाय 2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस 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 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है, माइनस लॉग माइनस सॉरी कितना दिया हुआ, माइनस के लॉग आर, माइनस के लॉग आर, और के बाय टू माइनस के लॉग, लॉग को क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग आर को लिख सकता हूं मैं एन एच अपॉन टू पाई अंडर रूट के एम, तो दिस इज योर टोटल एनर्जी, दिस इज योर टोटल एनर्जी। तो ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि जब भी बोर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, तो दो बातें याद रखना, बोर ऑर्बिट जहां बोलिए मतलब दो कांसेप्ट फिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स एंड एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इन फॉर्मेट में चलिए, आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। तो ये जो आपका वो लेक्चर था जो ब्लर हो गया था, तो फॉर माई नीड स्टूडेंट्स प्लीज आप लास्ट दो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, दैट्स नॉट फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।